नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मंगलवार शाम मुंबई से गोरखपुर जा रहे ट्रेन नंबर 15017 काशी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में आग लगने की जानकारी मिलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बोगी में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। तत्काल गेटमैन की सूचना पर ट्रेन को भिरंगी रेलवे स्टेशन पर रोका गया। ट्रेन के रुकते ही बोगी में बैठे यात्रियों ने जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकलकर ट्रैक पर खड़े हो गए। रेलकर्मियों ने रेलवे स्टेशन पर रखे अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया। आग से गर्म हुए पहिए के ठंड होने तक ट्रेन को करीब 25 मिनट भिरंगी स्टेशन पर खड़ा किया गया। बोगी में आग लगने के बाद सूचना मिलते ही चंद मिनटों में पूरी बोगी खाली हो गई। काशी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सोमवार यात्री विनोद सिंह ने बताया कि शाम को लगभग 6:25 में ट्रेन हरिद्वार की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अचानक धुआं बोगी से आने लगा। यह देखकर लोग घबरा गए। ट्रेन के दरवाजे पर बैठे यात्रियों ने नीचे झांक कर देखा तो बोगी के आगे और पीछे के तरफ के दोनों पहियों में आग की लपटें दिखाई दे रही थी। पूरी बोगी में इतना धुआं हो गया था कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पूरी बोगी में बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग आग लगने को लेकर चिल्लाने लगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर भिरंगी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन को रोक दिया। उधर इस मामले को लेकर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन के पहिए कि ब्रेक शू गर्म होने से कई बार चिंगारी निकलती है, उससे आग लगना नहीं तो चाहिए। काशी एक्सप्रेस में ऐसी घटना होने के संबंध में जानकारी नहीं आई है।